और डॉक्टर ने निधा को एडमिट करने बोले हैं। गाइस, निधा को हो चुका है थ्रोट में सीवियर इन्फेक्शन। हमें नहीं पता कि ऐसी हालत में निधा को जोहान को दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। आज थी हमारी एनिवर्सरी और निधा हो गई बीमार। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आज सुबह सुबह जैसी हम लोग सो रहे थे, जोहान को बहुत ज्यादा कॉलिक हो रहा था पेट में और बहुत तकलीफ हो रही थी। निधा भी और मैं भी, हम लोग दोनों आज भी जागे थे। बट गाइस, सोने के बाद जब हम लोग अभी उठे हैं गाइस, तो निधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो गाइस, निधा यहाँ पे लेटी है। निधा को गाइस रात में कल हम लोगों ने जो पार्टी किए थे, जो आम रस खाए थे हम लोगों ने, फ्रेश क्रीम वगैरह खाए थे, वो निधा ने थोड़ा खाई उसको, और उसकी वजह से गाइस निधा को पकड़ ली है सर्दी। और मतलब उसका जो पूरा ये गला है वो पूरा जाम हो चुका है। यहाँ पर उसको सूजन आ गई है, उसको सांस लेने नहीं हो रहा, उसको बुखार चढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और आज हम लोगों ने गाइस जोहान को भी दूध नहीं पिलाया निधा का, क्योंकि गाइस उसको डर लग रहा है कि बुखार में अगर जोहान को दूध पिलाएगी तो अल्लाह ना करे कभी जोहान को भी बुखार चढ़ जाए। तो इसीलिए जोहान को हम लोगों ने टॉप फीड पे रखे अभी फिलहाल के लिए। और अभी फटाफट नाश्ता करके हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि निधा का जो टॉन्सिल का ऑपरेशन था उन्होंने किया था। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना उनको एक बार दिखा दे कि गले की प्रॉब्लम है। नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने में गाइस क्या होता है ना, निधा को रिएक्शन हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में देखे रहोगे, जो कंसिस्टेंसी ब्लॉग देखते हैं कि निधा को लिप्स पे, आईज पे, पेट पे, सब जगह पे काला काला धब्बा हो जाता है उस वजह से। और ये बहुत टेंशन में सुबह इतना रो रही थी। पागल, जो रोते क्यों लेकिन तुम, मालूम है वो तो दर्द तो होएगा तुमको, लेकिन रोने का नहीं ना पागल, हिम्मत रखने का थोड़ी। अगर रोओगे तो फिर हिम्मत कैसे आएगी तुम्हारे को पागल। अभी मैं तो क्या बोला, गरम गरम चाय पियो, एकदम खतरनाक वाली गरम गरम चाय। जब पेट में जाएगी पूरा छन्नी होते हुए यहाँ से पूरा सर्दी नीचे आ जाएगी। नज्जू आपा बीमार हो गई। तो गाइस, निधा आज के बाद नज्जू आपा नहीं बन पाएगी, बहुत दर्द हो रहा है। सही बात है, गले में उससे भी दर्द होता है गाइस। मे भी हो सकता है कि वो करने से भी गले में खराश आई हो ऑलरेडी, अभी कल ठंडा खाई तो उसको सर्दी पकड़ ली है। देख रहे हो गाइस, मतलब आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, और इंसान की तबीयत खराब होती है फिर भी आप लोगों को हम लोग गाइस एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या ही करेंगे। तो बराबर नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, और मेरी इतनी सी आवाज़ निकल पा रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। इतना दर्द हो रहा है, हर जगह पेन हो रहा है, गले में, जॉ लाइन, कान, मतलब कान में सब चस्का मार रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फीवर उतरा है, तो फीवर के लिए मैंने आयुर्वेदिक प्लस दवा पी थी, मम्मी ने मेरे को पिलाया, तो उससे थोड़ा बुखार तो उतर गई है, बट बदन में इतनी कमजोरी आ गई है, बात भी करने के लिए ना मतलब सांस लेने नहीं हो रही, तो बात नहीं करने हो रही है। अभी देखते हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। गाइस, जोहान को भी दूध पिलाने के लिए मैं इतना सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अगर फीवर है और मुझे पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। उसके लिए भी मैं अभी डॉक्टर से बात करूँगी फ़ोन करके, कि बिकॉज मुझे बुखार चढ़ी उतर रही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से जोहान को तकलीफ हो। बेचारा बच्चे की क्या गलती है। हाँ वही ना, मतलब ऐसा हो गया कि मैंने उसको टॉप फीड इतने टाइम से नहीं कराई थी, और अब 2 से 3 बार पिएगा टॉप फीड, तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या होगा। अभी अब वो अलग स्ट्रेस है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है गाइस। फाइनली हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास यहाँ पे, और डॉक्टर के पास आके हमें इतनी बड़ी बैड न्यूज मिली। आप लोग देख सकते हैं पीछे हॉस्पिटल का जो ग्लूकोज लगा हुआ है वो है यहाँ पर, और डॉक्टर ने निधा को एडमिट करने बोले हैं। अल्लाह ना करेगा, मस्ती कर रहा हूँ, ये वेटिंग रूम है और कुछ नहीं, समझ लेगा, मस्ती कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं अटका तो यहाँ भी निधा तुम्हारे दांत पर लिपस्टिक करना होता है, तुम कब करोगी, जा 2-3 डॉक्टर लोगों को जो भी तरह सब दिखा के, बिकॉज मेरे को स्टोन्स भी है, सही बात है, वो भी दिखाना है, फिर ये भी है, मैं ये रूबी को टॉन्सिल का ऑपरेशन करने के बाद भी हो रहा है। गाइस लिटरली बता रहा हूँ मैं, ये डॉक्टर के पास ईएनटी स्पेशलिस्ट है। हम लोग पहले जब भी आते थे ना गाइस, मतलब इतनी भीड़ नहीं होती थी, बट इस बार इतनी भीड़ है, तो मतलब उससे साफ साफ समझ में आता है हम लोगों को कि गाइस लोग बीमार हो रहे हैं, गले की तकलीफ हो रही है, सर्दी, खांसी, रैशेज, गले में छलन, वो सब हो ही रही है, क्लाइमेट ही ऐसा है। बॉस देखे नहीं बाहर कितनी भीड़ है गाइस, इतना बड़ा वेटिंग एरिया छोड़ के हम लोगों को कंपार्टमेंट में बिठाई थी, तो बाहर जगह ही नहीं बैठने की, बताओ बाहर जगह नहीं, उसके बाद बाहर भी लोग खड़े डॉक्टर से झगड़ा हो रहा होगा, इतने सारे लोग, फिर उसके अंदर भी और लोग, फिर अभी हम लोग को बोले कि मतलब आई थिंक कंपाउंड में हम लोग को पहचान भी नहीं, तो बोले कि आप लोग यहाँ बैठो। सही बात है भाई, गाइस अल्लाह ना करे अगर निधा को एडमिट करने पड़ गया तो जुबान का क्या होगा गाइस। ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, माँ कसम तुम्हारे दांत पे जूम हो गया अचानक से, अभी भी लिपस्टिक लगी ये रही सॉरी ये रिफ्लेक्स था मेरा, रिफ्लेक्स था, सॉरी ये मेरा रिफ्लेक्स था, आई एम सो सॉरी, आई एम
अब रो रही है बैठ के यहाँ पर। इधर तुमको मारा नहीं मैंने यार, तुमको प्यार क्या मैंने ऐसे। तो गाइस फाइनली निदा इज हियर। बताओ क्या डॉक्टर बोले कि बाद में बताओगे। ओ माय गॉड सीवियर इन्फेक्शन। गाइस निदा को हो चुका है थ्रोट में सीवियर इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है उसको ये चीज। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते तो शायद ही उससे मेरे को जल्दी रिकवरी मिलती। तो डॉक्टर ने बोले कि अच्छा यहाँ पर आ गए अभी ये सब दवाइयों से, और डॉक्टर बोले कि इसके अंदर हैवी डोजेस देना पड़ता है, बट मुझे इन्फेक्शन होता है जैसे पेट पे और आंखों पे, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने बोले कि मैं हम लोग आपको माइल्ड दवाइयाँ दे रहे हैं। तो चलो अभी फिर यहाँ से डॉक्टर के पास जाना है। पीडियाट्रिशियन मैं सोच कॉल पे बात कर लूं। क्योंकि गाइस अभी हमें नहीं पता कि ऐसी हालत में निदा को जोहान को दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। क्या पता निदा को जो बीमारी है वो जोहान को ट्रांसमिट हो जाए। बट दो तीन दिन डॉक्टर ने बोला कि घर आएगी, मतलब बाप रे बाप माँ कसम। तो उसके लिए दवाइयाँ खानी है, 5 दिन का कोर्स है, कंप्लीट करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो शिफा हो जाएगा। हाँ कसम गाइस, एक के बाद एक बीमारियाँ हो रही है, एक के बाद एक तकलीफें आ रही है। क्या आज है बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज मैं घर पर आ चुकी हूँ बहुत सारी दवाइयाँ लेके, और थोड़ी बहुत बाकी थी, मम्मी वो लेने गए हैं सुफियान। और मेरा बेटा क्या कर रहा है मम्मा, डॉक्टर ने इसलिए दिया बिकॉज डॉक्टर ने बोला बहुत सीवियर है तुम्हारा इन्फेक्शन, 2-3 दिन लगेगा बुखार के लिए, बड़ा रुक जाओ। मैं जरा हाथ मुंह धो लेती हूँ फिर मैं जवान के पास। मम्मा ये मेरा गुड्डू मम्मा। हाँ जी पापा। मालिश करी उसकी, उसको नहलाई, दूध पिलाई उसका ऊपर का। हाँ उसको देखो एहसास हो गया कि मम्मी आ गए। इतना मिस कर रही थी जुहान को, और आज सुबह से मैं जुहान को ले ही नहीं पाई डर के मारे कि कहीं इसको मेरे वजह से इन्फेक्शन या बुखार ना हो जाए। बट अभी मैं डॉक्टर को फोन करके पूछूंगी, है ना मम्मा, अभी मैं पूछूंगी कि आपको मम्मा फीड करा सकते कि नहीं करा सकते। हाँ मेरा भूख लग गई, भूख लग गई आपको, आपको भूख लगी है। चलो अभी पूछते डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर अंकल को पूछते। चलो तो गाइस जोहान के डैडी भी आ चुके हैं। उधर तुम्हारी दवा कहीं मिली नहीं रही थी, वो लोग बोलते कि जहाँ से डॉक्टर है ना बोले वहीं पर दवा मिलेगी। अरे मैं बोला ये क्या मोनोपोली है डॉक्टर का, वहाँ पर फिर मान नहीं गया, अभी दो तीन जगह और ढूंढना, तो फिर एक जगह पे पुराना स्टॉक था तो मिल गया। अरे वाह। अच्छा डॉक्टर से मैंने बात कर ली। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले इसको फीड करा सकते हैं। करा सकते? हाँ। चलो अल्लाह का शुक्र है भाई, एटलीस्ट बेचारा मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा ना। जोहान बाबू डैडी का बेटा कौन है? जोहान। अच्छा चलो अल्लाह का शुक्र है बेटा, आपको खाना मिलेगा। अरे खुश हो गया, कुछ घर का खाना मिलेगा, बाहर का घर का खाना मिलेगा, भूखे नहीं रहोगे, हंसता है। सो गाइस फाइनली हम लोग उठ चुके हैं सो के, मतलब हम लोग सो गए थे गाइस बीच में क्योंकि निदा की तबीयत खराब थी, निदा को नहीं अच्छा लग रहा था, निदा को मैंने बोला सो जा, और जोहान भी साइड बाय साइड सो गया तो मैं भी साथ में सो गया। और गाइस मैं आज आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि आज था निदा के लिए एक बड़ा दिन, निदा के मेरे लिए दोनों के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि गाइस आज 22 अप्रैल थी और 22 अप्रैल को निदा और मैं रिलेशनशिप में आए थे गाइस एग्जैक्ट 5 साल पहले। तो हमारे रिलेशनशिप को गाइस आज 5 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो निदा आपको 5 ईयर एनिवर्सरी मुबारक हो हमारे रिलेशनशिप की। हमारी मैरिज एनिवर्सरी अलग है और रिलेशनशिप एनिवर्सरी अलग है। मैं आज निदा के लिए कुछ सरप्राइज सोचा था गाइस, बट वो सरप्राइज नहीं सोचे थे, मुझे पता था पहले से तुमने कुछ नहीं सोचा था, ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे लगा था कि कुछ तो होगा स्पेशल मेरे लिए, नहीं हो पाया, तुम कुछ नहीं कर पाए, नहीं हो पाया निदा, कुछ हालात कुछ मजबूरी कुछ सिचुएशन नहीं है, कुछ हालात नहीं है, तुम कर सकते थे। नहीं कर सकता था ना। हाँ। अभी निदा डॉक्टर के पास अपन गए 6 बजे, आज अपन डॉक्टर के पास 8 बजे और आते सब बंद हो गया। मैं आज तुमको मैं आज तुमको 5-स्टार होटल लेके जाने वाला था कसम से, लेबनीज खाने के लिए, खाने का मेरे को, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो हूँ ना, तो एनिवर्सरी मेरी भी तो है ना निदा। मेरे लिए अगर प्यार से कुछ ले आते, जैसे चॉकलेट भी ले आते या कुछ भी, कुछ चॉकलेट खाना तुमको डॉक्टर ने मना किया है, एक्स वाई जेड में नाम बोलो ना, वही तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करूँ। देखो गाइस बाहर जा नहीं सकते, इसकी तबीयत खराब है, ठंडा आइसक्रीम खा नहीं सकते, इसकी तबीयत खराब है, चॉकलेट खा नहीं सकते, इसका गला खराब है, तो अभी क्या करने का बताओ ना, केक काट सकते, चॉकलेट केक वेक ही करे। अच्छा तो एक
एग्जांपल दो मेरे को क्या कर सकता था बताओ। अरे वॉच लेके आ जाता। वॉच तो तुम्हारे पास है अब भी लिया तुमने। हाँ तुमने। अरे अच्छा कितने बजे जाता? अच्छा कहाँ जाता वॉच लेने बताओ। वॉच पसंद है, बैग्स पसंद है, स्लीपर्स चप्पल पसंद है। देखो मेरी का ब्रांड है अपना, मैं तो बोल नहीं सकती हूँ, तुम सब लेकर आ सकते हो छोटी मोटी चीजें। मैं अपनी खुद की चीजें भी तुम्हारी पसंद की खरीदता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद का कहाँ से लेके आऊँ बताओ। तो वैसे ही कुछ मजबूरी थी। फील भी कराना हो ना तो एक मफिन भी ले आते हैं। मफिन भी तुमको मना है? नहीं मना है, तुम्हारे न्यूट्री चॉइस बिस्किट लाया मैंने। डॉक्टर ने मना किया है सिर्फ खट्टा और ठंडा और ठीका, बाकी मीठा 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 तो केक तुमने मना क्यों किया फिर? मैंने नहीं मना। तुम तो बोले चॉकलेट नहीं खा सकती मैं, उससे कफ होता है। तो चलो जान दो निदा, भी जो हो गया वो हो गया। गाइस आज थी हमारी एनिवर्सरी और निदा हो गई बीमार, मतलब कि बुराइयां ही बुराइयां गाइस हो रही थी, उस वजह से हम मैंने कुछ नहीं कर पाया। बुराई कुछ नहीं होती है, इंसान को अगर करना होता है वो कैसे भी करता है। मैं प्रेगनेंसी में कैसी की तुम्हारे लिए? सही बात है। देखो हर कितनी भागम दौड़, हर इंसान देखो निदा, हर इंसान देखो अलग अलग रहता है। रेन तो अल्लाह देते, मैं कैसे दूं? रेन तो दुबई वालों को दिया अल्लाह ने, तुम कर्मा दे दिए। नहीं निदा ऐसा मत करो यार। देखो देखो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारे छोटा सा ये मंगाया। आज भी जब मेडिसिन ले रहे थे तो खुद के लिए भर भर के बिस्किट ले लिए, मैं बोली मेरे लिए बिस्किट। झूठ नहीं, तुम झूठ नहीं बोलना, तुम भी तो क्रैक जैक ही खाते हो। हाँ क्योंकि तुम कल क्रैक जैक खाए थे। कल नहीं, आज सुबह में, तो मेरे को लगा तुम क्रैक जैक खाओगे। नहीं था खाने के, तो फिर न्यूट्री गले से कुछ उतर नहीं पा रहा था, तो मम्मी ने बोले सिर्फ क्रैक जैक है, तो मैं बोली लाओ चाय क्रैक जैक खा के डॉक्टर के पास जाने तक की हिम्मत तो रहेगी। अच्छा गले से उतरने के लिए तुमने वो खाए दवा है ना अभी रात वाली? चलो कोई नहीं था, अभी अपन सेटल करते हैं। नहीं मेरे को नहीं करने का सेटल, सेटल करते हैं। नहीं मेरे को नहीं करने का सेटल, नहीं करने का मेरे को सेटल, पूरी गिराती है मेरे को। और जब अपन सेटल करते हैं आ जाओ चलो, नहीं करने का फटाफट सेटल। मैं हर बार तुम लोग के लिए सबके लिए करती हूं, मेरे लिए कोई नहीं करता। जाओ अपन दोनों निदा देखो मिल बांट के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। नहीं मैं तुमसे, तो रो क्यों रहे इतनी सी बात पे? मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हूं और किसी से नहीं रखती, और तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। जाओ हर बार मैं तुम्हारे लिए करती हूं, हर बार ये मैंने सोची थी कि तुम मेरे लिए कुछ तो करोगे, पर तुमने नहीं किए। जाओ जाओ अब मुझसे बात मत करो गाइस। जेन्युइनली गाइस मैं अभी इससे बात नहीं करूंगी। व्लॉग आपको ऐसे ही देखने मिलेगा कि मैं सिर्फ आप लोग से बात करूंगी, मुझे इससे बात करके मतलब नहीं है। चलो सॉरी नहीं, इंसान कदर सच्ची में सही बोला किसने, शादी के बाद बच्चे के बाद इंसान है ना कदर करना भूल जाता है। बीवी की सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं अपनी चड्डी भी तुम्हारी पसंद की खरीद रहा, तो मेरे पसंद की कोई चड्डी नहीं खरीदते, झूठे। साइज मिलती नहीं तुम्हारी, जो साइज में मिलती वो ले लेते हो तुम, कोई मेरे पसंद की नहीं करते हो। नहीं मेरे को नहीं पसंद। तुम ना जुहान के फंक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, ना तुम मेरे फंक्शन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, और जब मेरे को जुहान का कुछ करना होता है तो तुम बोलते अरे एंड टाइम पे करती हो, जब एक महीने पहले से बोलो तो अरे एक महीना बाकी है। गाइस आई एम नॉट अ सेलिब्रेटिंग पर्सन, यू नो आई एम नॉट एक्सप्रेसिव पर्सन। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ तो तुमको मजबूरी में मेरे लिए कुछ करना पड़ता है। किसी किसी को देखो रिलेशनशिप में, जब शादी रिलेशनशिप में जो रहते रिलेशनशिप का, जो एक रिलेशनशिप जो होता है ना गाइस, उसमें ना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो एक इंसान जो करता है दूसरा इंसान वो चीजें नहीं कर पाता, जो दूसरा इंसान करता है वो नहीं कर पाता, जो चीजें मैं करता हूँ तुम चीजें नहीं कर सकते हो, समझे? मैं सब कुछ कर सकती हूं, तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते नहीं आज तुमको ड्राइविंग नहीं आती है, तुमको ड्राइविंग नहीं आती है, तुमको यही तो बात है ना। तो ऐसा तो जिद पे तो कोई भी आता, कोई भी कुछ भी कर सकता है। घर में घर संभाल, डेली चीजों में तो नहीं कर सकता। घर संभालती हूँ मैं, बच्चा संभालती हूँ, उसके साथ साथ ब्रांड की एडिटिंग भी संभालती हूँ, उसके साथ साथ तुम मेरे को बोलते हो कि आउटफिट्स का चेक करो, सब कुछ वो भी संभालती हूँ। जब तुम और बाकी सारे स्टाफ को कौन संभालता है? स्टाफ को क्या संभालना होता है? अच्छा स्टाफ को संभालने के लिए बंदा है। अच्छा, बंदे को कौन संभालता है? बंदे को कौन संभालता है? निदा अपने बंदे को तुम अकेले नहीं संभाल रहे हो। निदा देखो कोई मां के बंदे को तुम अकेले नहीं संभाल रहे हो, मैं भी संभाल रही हूं, मैं भी बात करती हूं। सुनो ना, मैं भी सब बात करती हूं, मेरे को भी मालूम है सब क्या है। जान दो, वैसे ये बहस कभी खत्म होने वाली नहीं है, बीवी के बीच की बात में कभी खत्म होती नहीं लाइफ में गाइस। तो चलो गाइस आप लोग कमेंट जरूर करना कि सुफियान ने कितना बुरा किया मेरे साथ। हर बार हर कोई यही बोलता है ना कि निदा को ऐसा हस्बैंड मिला, निदा को नजर लग गई है। गाइस मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ, पर अब भी तुझे मैं पलट गया, पलट गया, पलट गया, देखो मुंडी दिखाई, मुंडी दिखाई, मुंडी दिखाई, अरे
तो गाइस लड़की लोग का थोड़ा चलते रहता है, अपना ही काम है। गाइस हस्बैंड्स का काम होता है लड़की अपने वाइफ को समझना और उनकी जो नीड्स है। गाइस देखो लड़कियां ना बोलती है, वो सिर्फ बोलती है, अभी कल वो भूल भी जाएगी। हमेशा ऐसी होता है। इस चक्कर में गाइस हमें झगड़ा नहीं करना है उनसे, ये सोचे कि अरे यार हम भी सब कुछ करते तुम भी करते हो, दोनों इंसान अगर सब कुछ कर रहा है तो एक इंसान क्यों सुना रहा है, ऐसा नहीं होता है। लड़कियां थोड़ी मोम दिल की होती है, थोड़े नरम दिल की होती है, उनको ऐसा लगता है छोटी छोटी चीजें उनको बुरी लगती है, हमें बड़ी बड़ी चीजें बुरी लगती है, हमें छोटी छोटी चीजें फर्क नहीं पड़ता लड़कों को। तो बस यही जिंदगी है, ऐसे ही जिंदगी जीना है, अपनी वाइफ को प्यार करो। हमारे नबी ने भी कहा है कि अपने हम सफर से प्यार कीजिए, जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारे सुख दुख में साथ देता है उनको समझिए। और हर बार किसी ना किसी एक को तो गाइस समझौता करना ही पड़ता है, अंडरस्टैंड करना ही पड़ता है। तो लाइफ ऐसी, आज मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो कल वो अंडरस्टैंड करेगी किसी चीज में, तो लाइफ ऐसी ही चलते रहेगी इंशाल्लाह। और आप भी बस इस चीज पे अमल कीजिए कि हमें दूसरे का साथ देना है। तो व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस लव यू, अल्लाह हाफिज। Thank you.